तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली आज मध्य प्रदेश के एक शेर, और मध्य प्रदेश आई थिंक एक स्टेट का नाम है, बट उस स्टेट में उस जगह का मैं नाम लेना चाहूँगा पन्ना का, जो कि मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी जगह है, ये देश शायद इस जगह को ना जानता हो। बट आज का जो ये मोमेंट है, जो ये सेशन होने जा रहा है, ये सेशन आपको एहसास कराएगा कि व्यक्ति कहाँ से आता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि आखिर उसके अंदर का जज्बा और जुनून क्या है किसी चीज़ को अचीव करने का। तो मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विपिन बेसिकली पन्ना से हैं। यस सर। और विपिन के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज मेडिकल कार्ड के साथ हमारे सामने हैं। आई थिंक ये जूम करके आप सब बड़ा देख पाएंगे। ये एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा चीज़ है, फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारे बच्चे इस समय लगातार मेडिकल लगा हुआ है उनका, तो लाजमी सी बात है कि अजीब सा डर। मुझे याद है कि विपिन मैं शेयर करूंगा कि किस तारीख को जब सबसे पहले सेशन शुरू हुआ फेज टू का, तो पहले दिन बड़ी नेगेटिविटी फैलाई गई। बट मेरा हमेशा धर्म है, मैं अपने बच्चों के साथ हूं, और मैं हमेशा उनको कहता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में, और आप कमाल हैं, और इस उम्र में आपसे बेहतर कोई है भी नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया तो कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता। उसी तरह मेडिकल को लेकर भी थोड़ा सा भ्रम और कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। तो आज मैं चाहूंगा कि सेशन के माध्यम से आप विपिन की पूरी जर्नी तो जान ही पाएंगे, बट साथ ही साथ उसके साथ मेडिकल का क्या अहम रोल रहा, और कैसे इनको फाइनली वो मेडिकल का ग्रीन कार्ड जो यहाँ पर है वो किस तरह से मिला, क्या रहा जर्नी, इसके विषय में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो विपिन बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। एंड ऑब्वियसली मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आज, और बहुत अंतरात्मा से मुझे खुशी होती है कि जब एक छोटी छोटी जगह से आप लोग आते हैं बच्चा, और इतना बड़ा अचीवमेंट लेते हैं जिंदगी में। शायद अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे इस बात को कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, बट ये बड़ा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले कुछ बताइए विपिन अपने विषय में। सर मैं बेसिकली पन्ना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव का नाम खोरा मचपटिया है। सर खोरा सर खोरा मचपटिया यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर प्रयागराज से पड़ता है? नहीं सर, पन्ना से पड़ता है। पन्ना से 50 किलोमीटर। पन्ना यहाँ से कितनी दूर पड़ जाता है? 200 किलोमीटर पड़ता है। तो सतना के आसपास ही एरिया है? यस सर, सतना से लगा हुआ एरिया है। पन्ना किसी चीज के लिए फेमस भी है? पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही कब्जा है। यस सर वहाँ पर, हाँ बढ़िया कंपनियां हैं, और गरीब लोग वहां नहीं रह ही नहीं सकते। yes, sir, हाँ, उन्हीं का पूरा कब्जा वहां पर है। yes, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये सतना से मतलब ये पन्ना से लोकेशन आपके गांव की 50 किलोमीटर। yes, तो काफी दूर हुआ पन्ना से एक तरीके से देखा। yes, जाए। तो बेसिकली रोजी रोटी का क्या सहारा है आपके? सर यही खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं पापा, तो मतलब यही है कि घर का चल पाता है, बाकी और कुछ नहीं। खेती में क्या पैदा हो पाता है, क्योंकि पथरीला एरिया है पूरा, लाल मिट्टी है, तो क्या पैदा हो पाता है? सर गेहूं कुछ हो जाता है, कुछ चने हो जाते हैं, बस। और बस जीवन कटने भर। यस ओनली। कितने भाई बहन हैं? दो भाई हैं और दो बहन हैं। तो सिस्टर की शादी हो चुकी है, और मेरे बड़े ब्रदर जो हैं वो एमएससी कर रहे हैं, और मैं अभी। अच्छा। यस सर। तो आप दो भाई हैं? यस सर। तो आपने भैया से पहले अचीवमेंट ले लिया है, ये बड़ी चीज है। आई थिंक पिताजी के लिए बहुत टफ रहा होगा आप लोगों को पढ़ाना लिखाना। पापा कभी कभी बोलते थे कि पढ़ाई बंद कर दो, मेरे नहीं हो रहा है, मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पापा को बोल देते थे कि अभी 2-3 साल और हैं, आप कुछ करके हम लोग एक ना एक दिन कामयाब होंगे, बस आप लगे रहिए, थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे। आपने वो कर दिखाया है, और मैं साथ ही आपके फादर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि सर आपका बच्चा कमाल का है, और आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए, और आपके संघर्ष को इसने बखूबी देखा है, और रिटर्न गिफ्ट अब आपके सामने है। बड़ा बेटा तो है ही है, बट छोटा बेटा कुछ कर बैठा पहले ही। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रेरणा है उस पूरे गांव के लिए, उस पूरे समाज के लिए। मुझे लगता है कि आप एक रास्ता बनोगे, एक दिशा दोगे उस पर्टिकुलर गाँव को जहाँ से आप आ रहे हो मध्य प्रदेश के, उस गाँव से, कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी यहाँ जाना है। तो इससे पहले फौज में कोई गाँव में? नहीं सर, मैं अपने गाँव का पहला ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहा हूँ, और इंडियन एयरफोर्स में। इससे पहले ना तो कोई मेरे गांव में गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ, ना कोई फौज में है सर। तो गांव में इंटर कॉलेज वगैरह है? नहीं सर, एक यही मिडिल क्लास स्कूल है सर। जी, तो इंटर पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ता इंटर है? पढ़ने के लिए सर वहां से 10 किलोमीटर दूर अजयगढ़ है। अच्छा। वहां पर जाना पड़ता है सर। काफी संघर्ष है, मतलब एक तरीके से इंटीरियर एरिया है। यस सर। तो कैसे सपना पला आप में कि मुझे इंडियन एयरफोर्स जाना है? सर एक बार वैसे तो भैया ने, मेरे बड़े ब्रदर ने पूछा था कि दो ऑप्शन रखे थे, तुमको टीचर बनना है या सोल्जर बनना है। तो मैं 8th क्लास में था उस टाइम, तो मेरे ब्रदर मैंने बोल दिया कि मुझे सोल्जर बनना है, लेकिन मुझे उस टाइम पर एक्चुअली में पता नहीं था कि सोल्जर क्या होता है, लेकिन बोल दिया था कि सोल्जर बनना है। ये सर फिर जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट किया तो मुझे एयरफोर्स के बारे में पता, मेरी जर्नी 2018 से स्टार्ट होती है। जब मुझे पता चला तो मैं एग्ज़ाम देने गया, लेकिन उस टाइम अच्छा
प्रिपेयर नहीं था तो मेरा अच्छा अटैम्प्ट नहीं गया, लेकिन मैं लगा रहा और मैंने कंटिन्यूस मेहनत जारी रखी। फिर मेरा 2000 मेरा कंटिन्यूस, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन 2021 में जो 18 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ तो वो अच्छा पेपर गया था, लेकिन किसी वजह से एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आया। तो ये एक साल तो बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे होंगे बिपिन, आपके परिवार का भी दबाव रहा होगा, पापा का भी रहा होगा कि वापस आ जाओ, कैसे कब होगा कैसे होगा, तो कैसे मोटिवेशन बनाए रखे आप अपने सर? एक तो वीडियो देखते थे, मोटिवेशनल वीडियो, और क्या है कि कोई गांव से था नहीं तो अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मम्मी पापा वैसे डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि गाँव में अगर कोई ना हो तो बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो अपने आप को मतलब अच्छे सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहे और अच्छे वीडियो देखा, तो उससे जिससे अपन मोटिवेट हो सके। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है यही रास्ता था। तो फाइनली जब आपने एग्जाम दिया तो इस बार कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मैंने बिल्कुल हिट कर दिया है? सर, मैंने एग्जाम देने जाने से पहले बोल दिया था पापा इस बार क्लियर करके ही आऊंगा रिटर्न। और क्लियर करके आएंगे तो पापा को सारी अपडेट दे दी है? यस सर, पापा बहुत मतलब जब मैंने कॉल किया तो मेरे पापा लाइफ में शायद कभी इतने ज्यादा खुशी नहीं हुए होंगे जितना मतलब कल खुशी देखी थी। तो मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में आगे भी ऐसे ही खुशी दूंगा अपने पापा को। बिल्कुल आप देंगे बच्चा, और मुझे लगता है कि आज उनके लिए सबसे गर्व भरा दिन होगा। यस सर, और एक प्राउड मोमेंट है, शायद उस गांव का तो नाम कर ही रहे हैं बट पिताजी का भी सीना आपने आज चौड़ा कर दिया है। यस सर, उनका संघर्ष आपने आज सिद्ध कर दिया कि आपका संघर्ष हमने जायज मतलब नाजायज नहीं होने दिया, उसको जायज करके दिखाया ओवरऑल। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो रही बातें और ऑब्वियसली ये इंस्पायरिंग पार्ट तो है ही सबके लिए, बट अब आ जाते हैं थोड़ी सी जर्नी पे। बिल्कुल 23 तारीख को जैसा आपका रिपोर्टिंग था कानपुर सेंटर पे, प्रक्रिया हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सुबह 4:30 बजे रिपोर्ट किए होंगे, फेज 2 का एडमिट कार्ड देखा गया होगा और आधार कार्ड देखा गया, इंटर हुए, फिर बस से ले गए कि डायरेक्ट जो है बस से ले गए थे? बस से ले गए, 100-100 का ग्रुप बना के 75-75 का सर, 75-75 का ग्रुप बना के ले गए थे, लेकिन वहाँ कंबाइन कर दिए थे, 150 का ग्रुप बना दिए होंगे। फिर रेस हुई, रेस में भी आधे लोग बाहर ही हुए होंगे और बाहर वही हुए जो बाहर होने लायक थे, जिन्होंने रेस कंप्लीट नहीं की है। और कुछ लोग सर ऐसा होते हैं कि रनिंग कंप्लीट नहीं करते, बीच में रुक जाते हैं, और एक को मैंने देखा था कि 200 मीटर बचा था लेकिन वो चलने लगा था, बल्कि अगर वो का रेस करता तो उसका कंप्लीट हो सकता था। लेकिन इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। यस सर, कहते ना मैंने ये जिंदगी की आपकी सबसे अहम रेस थी, आपको ऐसा दौड़ना था कि शायद ये लाइफ में आखिरी बार दौड़ रहे हैं। ये सर, जब मैंने वहाँ पर हैंगर देखा और वहाँ पर रखे हुए थे प्लेन रखे हुए थे, तो मतलब उससे मोटिवेशन मिला। फिर मैंने और 400 मीटर बचा तो और फिर स्प्रिंट खींचा, मुझे लगा नहीं, मुझे ये था कि अब इंडियन एयरफोर्स किसी तरह मिलना चाहिए और उसी जज्बे के साथ दौड़े। तो कहते उससे पैर नहीं दौड़ रहा था, उसमें दिल और दिमाग दौड़ रहा था, और जब वो दौड़ता है ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर ऐसा मैं मानता हूँ लाइफ में। और मैं वहाँ पर गिर भी गया था लेकिन मैंने दर्द नहीं देखा कि मुझे क्या हुआ, बल्कि जब बाद में देखा तो चोट लग गई थी, लेकिन उस टाइम सब कुछ रेस कंप्लीट कर लिए, बढ़िया हुआ। पुशअप स्क्वाड सेटअप्स भी सब बढ़िया से हो गया। यस सर, तो फाइनली एसआरटी भी आपने 100% किया होगा क्योंकि आप सब कॉन्फिडेंट थे, इतनी प्रैक्टिस एमकेसी में आपको मिली थी। यस सर, और इधर जो एसआरटी की बताना चाहूंगा सर कि जो इधर एसआरटी की प्रैक्टिस करवाई जाती है, इधर तीन तीन मतलब लाइन के एक क्वेश्चन होता है, और तो उसकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब टाइम मैनेजमेंट होता है, और वहां पर एक लाइन का क्वेश्चन आया था तो मतलब वहां पर हमको पता ही नहीं चला, 25 मिनट में कंप्लीट कर दी। यस सर, कहते हैं कि जब आपका लेवल हार्ड होता है प्रैक्टिस का तो लाजमी सी बात है जब टास्क आप करने जाते हैं तो इवन ये फीडबैक भी सब बच्चों ने दिया कि सर रेस लगाई नहीं, हम रेस कर रहे हैं। यस सर, हमको सर जो है एसआरटी में लगाई नहीं, हम एसआरटी दे रहे हैं सर, बहुत हलवा लग रहा था सर यहाँ के लेवल से चीजें, और हम सब 100% मार दिए सर, कोई दिक्कत नहीं रही। फाइनली जीडी आया, जीडी में इस बार सोशल टॉपिक रह जाता था। यस, आपका टॉपिक? मेरा टॉपिक था सर नॉइज पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन था, तो उसमें सर मतलब मैंने पढ़ के नहीं गया था, लेकिन ये था कि एमकेसी में इतनी प्रैक्टिस करवा दी गई थी कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाना तो मतलब थॉट पावर यहाँ पर क्या किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है कि अगर आप पढ़ के भी नहीं गए ना तो वो आप कर जाएंगे उधर। और सबसे जरूरी यही है, जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चे कहते हैं कि क्या सर यही सवाल आ जाएगी, नहीं कॉन्सेप्ट पे आप करना चाहिए, सवाल तो कोई भी आ जाए। यस सर, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट और थिंकिंग पावर बिल्डअप है तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर। वैसे तो सोशल टॉपिक देते हैं, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में वो मोमेंट देखा होगा, वही देते हैं वो लोग। यस सर, और उस पे अच्छा करना होता है। यस सर, चलिए इस तरह से जीडी पे। फाइनली कितने बजे ग्रीन कार्ड मिला आपको रात में? सर मेरा तो जीडी
3D 1240 पे कंप्लीट हो गया, रिजल्ट मिल गया। फिर उसके बाद दूसरे 24 को रेस्ट दिया, 25th को मेडिकल के लिए बुलाया। तो वहीं पे फिर कानपुर रुक भी गए? यस सर, कानपुर रुक गए थे। मेडिकल के लिए आपको कहाँ बुलाया गया? मेडिकल के लिए MBC कानपुर बुलाया गया। MBC कानपुर बुलाया सर, वहीं पर सेंटर पर आती है, बस आती है तो ले जाती है हम लोगों को सेंटर पे जाके ले। यस सर, तो आपको वहीं बुला लिया गया, यहीं आ जाइएगा, फिर यहाँ से हम लोग भेज देंगे। यस सर, तो बस वही देते हैं आपको? यस वही प्रोवाइड। डायरेक्ट भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन। हाँ सर जी। तो बेसिकली मेडिकल सेंटर पे जाने के लिए कितने बजे आप कानपुर SC पे रिपोर्ट किया? वहाँ पर सर मैं 6 o'clock पर रिपोर्ट किया था मॉर्निंग में। बस कितने बजे आई? बस आई सर 6:32 पे। 6:32, फिर वहाँ से आप बस पे बैठे, कितना दूर था वहाँ से? वहाँ से समथिंग 1 kilometer रहा। 1 kilometer, तो बस आपको वहाँ पे ले गए मेडिकल सेंटर पे। जब वहाँ पहुंचे तो मेडिकल में कितने बच्चे ऑलमोस्ट पहुंचे थे उस समय? एक ऑफसेंट था सर, 44 पहुंचे थे। एक दिन में 44 की रिपोर्टिंग होती है। तो 44 जो वहाँ पे पहुंचे, तो पहली प्रक्रिया क्या हुई जब आप लोग सेंटर पे पहुंचे? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किया कि ब्लड लिया खाली पेट, और उसके बाद यूरिन टेस्ट किया। फिर उसके बाद बोला कि आप कुछ लिए हो तो खाना खा सकते हैं। अब वहाँ से आते हैं तो ब्रेकफास्ट लेकर के आते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बाहर से मंगवा देते हैं। फिर उसके बाद हम ब्लड और यूरिन खाली पेट, यस सर, खाली पेट लेते हैं। फिर उसके बाद जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद ECG के लिए बुलाया जाता है, और कुछ लोगों का ब्लड टेस्ट दोबारा लिया जाता है खाना खाने के बाद। तो ये दोनों प्रोसेस पैरेलली चलती रहती हैं। और जैसे ही ECG कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आई टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आई टेस्ट के बाद वहाँ पर होता है हाइट, वेट और चेस्ट भी मेजर कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, और थोड़ा एक दो पैराग्राफ पढ़वाते हैं वहीं पर। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोगों को ले जाया गया एक्सरे के लिए, ले जाया गया था एक्सरे में, सब लोगों को ले जाया गया, एक्सरे हो गया। फिर उसके बाद लास्ट जो टेस्ट होता है हियरिंग टेस्ट होता है, बीच में गैप मिलता है खाना खाने के लिए। अच्छा, तो उस टाइम पर खाना मतलब खा तब तक 12 बज चुके थे। यस 12 बज जाते हैं, तो हाँ सर एक्सरे तक। तो लंच वहीं मिला था कि लंच लेके जाना था? लंच लेके जाओ या तो फिर मंगवा देते हैं बाहर से, ऑर्डर कर दीजिए। पहले आते हैं, बोल देते हैं किसको किसको चाहिए, हम उतने टिफिन पैक करके ले आएंगे, तो उतना दे देते हैं, या तो आपका खुद की व्यवस्था है तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद बुलाते हैं कि एक एक करके आ जाइए, आपका हियरिंग टेस्ट होता है। और हियरिंग टेस्ट में सर मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पर जो CO होते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ से बात कर रहे होते हैं, और उन्हीं के बगल से जो बोलते रहते हैं बहुत विस्फोट आवाज़ में। यस सर, और फिर वहाँ से थोड़ा दूर पर खड़े कर देते हैं दीवार की साइड का सर करवा के, और फिर वहाँ पर एक कान में लगा देते हैं कागज और उसके ऊपर पेंसिल चलाते रहते हैं। तो वहाँ पर मैं तो बोलना चाहूँगा कि आप वहाँ जाने से पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए और माइंड को बिल्कुल सेटल कर लीजिए, सिर्फ उसी की आवाज़ पर कंसंट्रेशन करना है। तो आप सारे लगभग मेरा एक ही गलत हुआ था, बाकी सब कुछ सही हो गया था, तो मुझे फिट कर दिया था उन्होंने। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये फाइनली हियरिंग टेस्ट ही था? यस सर, फाइनल। कितने बजे हुआ था हियरिंग? ये सर 2 o'clock। कितने बजे फिर रिलीज हुए मेडिकल सेंटर? वहाँ पर फिर हम लोग 6-7 बजे रिलीज हुए सर, क्योंकि फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा। यस सर, फिर ये ग्रीन कार्ड वहाँ बने होंगे मेडिकल के फाइनली? ये दूसरे दिन मिलता है सर ग्रीन। अच्छा, ये दूसरे दिन मिला? 26 को मिला था हम लोग, 10 o'clock बुलाते हैं 26 को। जी जी। फिर 2 बजे के समथिंग हम लोगों को ग्रीन कार्ड दे दिया ग्रीन था। कार्ड दे दिया गया। तो 44 में से कितने लोग को फाइनली ग्रीन कार्ड मिला? 25 को ग्रीन कार्ड मिला, बाकी 19 को मिल गया रेड कार्ड। अच्छा, रेड कार्ड सीधा? यस सर, मतलब रीमेडिकल ही होता है सर। चलिए, तो उन सबको फिर रीमेडिकल के लिए बुलाया गया होगा, टाइम दिया होगा। अच्छा, ज्यादातर किसमें रीमेडिकल मिला बच्चों को, आपने क्या नोट? ज्यादातर सर ECG में मिल रहा है रीमेडिकल। अच्छा, और ECG में घबराए हुए बच्चे होते हैं। अच्छा, इस छोटी सी उम्र में ECG का परफॉर्मेंस गिरने का मतलब क्या है? मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताना चाहता हूं विपिन। जैसे मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर इज द ओनली सेंटर इन इंडिया, अभी आप जितना बताए हैं प्रोसीजर सारा टेस्टिंग हमारे यहाँ भी होता है कि ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है, फिर ईजी होता है, ECG पार्ट होता है, फिर सेम आई टेस्ट वही है, हियरिंग टेस्ट वही है, ENT टेस्ट वही, सारे फॉर्मेट वही हैं। तो यही चीज यहाँ भी आती है, घबरा जाते हैं, कांपने लगते हैं, अजीब सा डर लगता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ बच्चा कि मेडिटेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। अगर आप खुद को थोड़ा मेडिटेट कर लें, काम कर लें, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता है और आप रिलैक्स होगे। भाई क्या अनफिट आप हो जाएंगे इस उम्र में?
वही तो सर कि इस उम्र में अगर बीपी बढ़ रहा है ये कोई सवाल ही नहीं बनता, नहीं बनता ये केवल घबराहट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी छोटी उम्र में बड़े मैच्योर हैं आप भी, नहीं ये बात करके आपसे मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड इससे पता चलता है यार कि डिजर्विंग लोग ही जाते हैं, ऐसे नहीं जाते बिल्कुल, तो ये नेचर रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपकी मेडिकल की जर्नी डन हुई। तो फाइनली मेडिकल को लेकर क्या कहना चाहेंगे कुछ लोगों को, क्योंकि अब सबके मेडिकल लगातार लगे हैं, आज से तो प्रोसेस शुरू ही हो गया है सर, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो ईसीजी का पॉइंट मिल रहा है वो आपकी गलती की वजह से, आप जाइए वहां पर और अच्छा कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया होता है। कोई ये हुआ जो लोग बना रहे हैं कि ऐसा कुछ रीमेडिकल देते हैं, सबको नहीं देते, जो घबरा जाते हैं उन्हीं को रीमेडिकल दिया जाता है, सबको नहीं मिलता है ये, और वो भी सेलेक्ट करने के लिए खड़े हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। कोशिश तो करते हैं कि हर बच्चा, और कॉन्फिडेंट भी करते होंगे, ऐसा नहीं कि आपको डिमोरलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी को डिमोटिवेट करते हैं। और मैं यही समझाना चाहता हूं इनको कि हर फौजी आपको मोटिवेट करता है, वो कभी डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता है, और सबसे ज्यादा आपका सीओ करता है, वो चाहता है कि हर बच्चा जो योग्य है वो आ जाए, वो रुकने ना पाए किसी भी कारण से। विपिन वाकई में बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर एवरीवन। और अगला फॉर्म फिर दिसंबर में आने वाला है, जर्नी फिर से शुरू हो रही है, बच्चे जबरदस्त एमकेसी का हिस्सा बन रहे हैं। वी स्टार्टेड 6 मंथ टारगेट बैच, इस बार हमने रिटन के साथ साथ फिजिकल को रेगुलर किया है। अब बच्चों को मतलब हम डेली फिजिकल पे लेके जाएंगे, क्योंकि इस बार उसके वजह से भी एक कहीं ना कहीं ये सर बैरियर बना हुआ है, बना हुआ, और मुझे लगता है कि फिजिकल हो गया 75% डन है, यही तो रहा स्टेटस। तो ओवरऑल इस बार उसको भी हमने ऐड किया है, जीडीएसआरटी हम रेगुलर चलाएंगे ही चलाएंगे, और बच्चों के लिए तो बेहतरीन मेडिकल है ही, जितना आपने मेडिकल का प्रोसेस बताया सब कुछ अपने है, मतलब सेम टू सेम सिस्टम है, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो इस बार यही कोशिश हमारी है कि बेटा हम सब लगें, जम के मेहनत करें। अच्छा एक प्रश्न और है जो कि भ्रम हमेशा रहता है कि अग्निवीर, नाउ इट्स अग्निवीर वायु लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है अभी जो मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, तो आगे पहले इसमें एयरमैन लिखा रहता था, क्या लिखा रहता था? एयरमैन, बट इट्स नाउ रिटन अग्निवीर वायु, ये अग्निवीर वायु लिखा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आज जो मुझे इतने दिन बाद चेंज मिला, मेडिकल पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चों का मेडिकल लगा हुआ है। तो जैसे 4 साल का एक भ्रम फैलाया गया है कि 4 साल 4 साल, वैसे मैं हर एमकेसीएन को तो ठोक के बोल रहा हूँ बेटा कि उस 25 में आपका हिस्सा है, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो, बैलेंस हो, ऐसे ही लोगों को आगे जाना है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस चीज को लेकर के देखते हैं? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि 25% में आप अपनी सीट बनाइए, और ये आप अगर अच्छा मेहनत करेंगे, अभी से परफॉर्मेंस वेस्ट करिए तो आपका जो 4 साल का होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है। तो आप अच्छा वेस्ट करिए, फिजिकल में वेस्ट करिए और अपना 100% दीजिए, तो मुझे लगता है कि आप फाइनली 25% में अपनी सीट बना पाएंगे। और देश सेवा जज्बा है, मुझे लगता है कि इसको अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि उनको फालतू लोग नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल मलाई मलाई चाहिए, परफेक्ट लोग चाहिए। फौजी जो है वो फौजी की तरह होना चाहिए, देश की सुरक्षा का मामला है, कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन विद यू विपिन, और मैं आपके पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, माता जी को भी कहना चाहूंगा, बड़े भाई भी आपके साथ एमएससी कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबका योगदान होता है तभी कुछ बेहतर हो पाता है। लास्ट में ये भी जानना चाहूंगा, इसे मैं पूछता नहीं हूँ कभी, एमकेसी का कितना योगदान देखते हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट मिला? सर मैं रियलिटी बताऊं तो मैं इससे पहले आने से पहले ना मैं जीडी बिल्कुल मतलब बोल नहीं पाता था। एक बार मैं एसएसबी आउट हुआ था तो मेरे दिमाग में ये हो गया था कि अब तो हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये इंग्लिश नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही एमकेसी आया मुझे एक दिन हेजिटेशन हुआ, लेकिन जब दूसरे दिन से फ्लो बना, फिर बोलने लगा, फिर इतना स्टेज फियर खत्म ही हो गया कि मतलब अब स्टेज पर कहीं पर खड़ा कर दो तो कुछ भी हो बोल देंगे। नहीं ये कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है, आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं आज यहाँ पे, और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए सर। ये सब मुझे एमकेसी आकर के ही मिला, अदरवाइज अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं रिजेक्ट हो सकता था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती तो रिजेक्ट हो जाता। मैं यही कहना चाहता हूँ विपिन सारे बच्चों को आपके भी माध्यम से, बीइंग एमकेसी का हिस्सा होने के नाते मैं भी ये हमेशा बात कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य ही एक है कि बच्चा हर प्रोस्पेक्ट से कॉन्फिडेंट हो, हम हर नेगेटिविटी को मार देंगे, हमारा केवल एक जज्बा है कि जो बच्चा सोच लिया कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, हम उसको ज्वाइन करा के रहेंगे, उसके अंदर वो आग वो जज्बा भरेंगे, चाहे वो रिटर्न की प्रिपरेशन हो, चाहे फिजिकल की हो, चाहे फेज टू में जीडीएसआरटी हो, चाहे मेडिकल हो, हर प्रोस्पेक्ट से इतना स्ट्रांग उसको बना देंगे ना कि उसको लगेगा सर ये हलवा है और हम कर दिखाएंगे, और विपिन ने कर दिखाया। और फाइनली मैं यही कहता हूं कि विपिन कर सकते हैं तो देश के हर बच्चा जो एक आम परिवार से आता है
गांव से आता है, एक किसान परिवार से आता है, वो कर सकता है। और यही समय है सपनों को पूरा करने का, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इट वॉज नाइस डिस्कशन विद यू विपिन, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप बिल्कुल एक प्रेरणा स्रोत हैं बच्चा, मैं यही कहना चाहता हूँ। और हर बच्चे को मैं खुल के कह रहा हूँ कि आप सबकी वजह से लाखों हजारों बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में तो ज़बरदस्त होगा ही, पन्ना में तो ज़बरदस्त होगा ही, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भी जाएगा पूरी तरह से। बट यही कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर जागृति आएगी कि अगर विपिन कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद जय भारत।